इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चीन की दगाबाजी की खबर। जी हां, जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हाथ मिला रहे थे, उसी वक्त लद्दाख सीमा पर चीनी सैनिक घुसपैठ की कोशिश में लगे थे। पीटीआई के मुताबिक चीनी सैनिकों ने लद्दाख सेक्टर के देमचोक और चुमार में 3 दिन के भीतर 2 बार कोशिश की है घुसपैठ की। मंगलवार को देमचोक सेक्टर के चांडिंग नीलू नाला जंक्शन पर घुसपैठ की कोशिश हुई, जब पीएलए सैनिकों ने इस क्षेत्र को चीनी क्षेत्र बताते हुए दावा करते हुए अपने गाड़ियों के साथ वो घुस आए, लेकिन भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवानों ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। 13 जुलाई को बैनर ड्रिल के वक्त भी चीनी सैनिकों का अड़ियल रवैया दिखा। यहां करीब आधे घंटे तक तनाव रहा, बाद में चीनी सैनिक लौट गए। चीनी सैनिकों की हिमाकत तब दिखी जब ब्राजील के फोर्टालेज़ा में प्रधानमंत्री मोदी चीन के राष्ट्रपति के साथ गर्मजोशी दिखा रहे थे। तो हैरानी की बात है, लेकिन इस तरह का रवैया चीन का पहले भी सामने आता रहा है। तो 2 बार घुसपैठ की कोशिश की है भारतीय सीमा में चीनी सैनिकों ने, और वो भी उस वक्त जब ब्राजील में नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे थे। द्विपक्षीय मामलों में समझौतों को लेकर, कई मुद्दों को लेकर बातचीत हो रही थी। सीमा को लेकर भी कहा जा रहा था कि सीमा को लेकर भी बातचीत वहां पर की गई है, और बात विचार से बात करके इस चीज को सुलझाने की कोशिश की जाएगी, और उस बीच ये खबर सामने आई।